सो केवाईटी एंड वेलकम अगेन टू द चैनल केवाईटी क्लासेस। सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं माइंड मैप इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का, जो कि बस खाली 5 मिनट में आपको पूरा कॉन्सेप्ट सारे के सारे रिवाइज करा दूंगा, और जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो भी सब हम लोग रिवाइज कर लेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सो ये वीडियो आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, पूरे वीडियो को और पीडीएफ में दे दूंगा, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप की लिंक्स दे दूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या होना चाहिए, सब चीज़ की यूनिट्स पता होना चाहिए, जैसे चार्ज की यूनिट कूलम होती है, और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है, रेजिस्टेंस की ओम, रेजिस्टिविटी की ओम मीटर, यहाँ देखिए सारा का सारा दे रखा है, हीट की जूल, इलेक्ट्रिक पावर की वाट। पहले तो ये यूनिट्स आपको सब पता होनी चाहिए, एमसीक्यूज में आ सकता है यूनिट भी, ठीक है। तो एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, फिर लाइन से ये फॉर्मूले जितने फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं यही सारे के सारे फॉर्मूले आने, यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, 90% चांस है कि इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आई करंट का फॉर्मूला होता है क्यू बाई टी, ठीक है, और क्यू का फॉर्मूला होता है एन ई, जहां पे एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई क्या है बेटा, ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्यू गलत लिखा हुआ है, यहाँ ई होना चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है हमेशा 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्स, ठीक है। तो ये ई की वैल्यू है और एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं सॉल्व करने के लिए इन दोनों फॉर्मूले में भी। अब वी जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है। अब वी 1 वोल्ट, जैसे कि सीबीएसई का जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है वो है 1 वोल्ट क्या होता है, 1 एम्पियर क्या होता है, 1 ओम क्या होता है, व्हाट इज 1 ओम, व्हाट इज 1 एम्पियर, व्हाट इज 1 वोल्ट, ये सब डिफाइन करने के लिए आ जाता है, व्हाट इज 1 जूल एनर्जी, तो ये सब आप लोगों को क्या करना है, 1 जूल हीट सॉरी, तो ये सब चीजें आप लोगों को क्या करना है, रट लेना है। ये 1 1 वाले जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के या सीबीएसई के बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, 9 10 सब में ये बहुत आता है, तो इसलिए आप लोग ये सारे क्वेश्चन तो एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। तो V अपॉन W इज इक्वल, वो V इज इक्वल टू W बाई क्यू, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, ठीक है। इसी स्कूल लैंग्वेज में थोड़ा सा करके लिख देना, 1 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा लिखना, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा बड़ा लिख देना, चीज़ों को बड़ा चला के लिखना होता है। अगर 2 नंबर का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो थोड़ा बड़ा चला के लिखो, हेडिंग डाल करके लिखो तो ज़्यादा नंबर मिलेगा, जितना आप मतलब चीज़ों को अच्छे से लिखोगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा, प्रेजेंटेशन के मार्क्स आपको मिलते ही हैं। और एच इज इक्वल टू जो कि हीट है वो किसके बराबर होता है, आई स्क्वायर आर टी, और एच का एक और फॉर्मूला होता है वी आई टी, और उसका पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, ये आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है। फिर अब अगला जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है, इट स्टेट दैट द करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ऑफ एंड टू एंड्स, मतलब जो कंडक्टर है उसके एंड्स के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट, ठीक है। और ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम लोग एक वो कोफिशियंट लेते हैं जो कि आर है, आर को रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक। और ये चीज़ जो ओम्स लॉ है वो वैलिड कब है, इसकी जो लिमिटेशंस है क्या है, कि इसका जो हीट होना चाहिए कंडक्टर का वो होना चाहिए हमेशा कांस्टेंट, हीट और डेंसिटी सब कांस्टेंट होना चाहिए। कभी कई बार पूछ लेता है कि ओम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या है, तो आपको बताना है कि कंडक्टर की जो हीट है, जो टेम्परेचर है, वो क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जब भी करंट फ्लो होता है तो हीट जनरेट होती है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने पढ़ा होगा, ठीक है। और ऐसे 1 ओम की डिफिनेशन पूछ लेगा जैसे मैंने बताया था। अब फैक्टर किस किस पे जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है, ये आपको बताना है। तो क्या किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, लेंथ पे और एरिया पे। ये चीज़ अगर देखो 1 नंबर में आ रहा है तो आप यही जितना इस पे लिखा हो वो लिख लेना, और अगर आपका 2 या 3 नंबर में आ रहा है तो आप क्या लिखना, डिपेंड ऑन लेंथ लिख करके फिर इसके बारे में लिख देना, इट्स डिपेंड ऑन लेंथ, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ऐसे बना बना करके लिख देना, थोड़ा एक एक दो दो लाइन करके लिख देना इसके बारे में, ठीक है। और लास्ट में ये चीज़ तो जरूर लिखना, ठीक। और रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है, और मैंने जो प्रीवियस ईयर एनालिसिस किया और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनालिसिस किया तो रेजिस्टिविटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया, तो आप लोग रेजिस्टिविटी से न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करके जाओगे, ठीक है। रेजिस्टिविटी नहीं छोड़ के जाना, इससे न्यूमेरिकल जो जहां भी आपको मिले, जैसे भी मिले, गूगल पे मिले या कहीं भी मिले, इसको जरूर सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं चेक कर रहा था कि माइक ऑन है या फिर नहीं, बिकॉज यहाँ पे आवाज़ बहुत हो रही है। और एक इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी चीज़, चलिए पहले ये देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इक्वेशन, अगर जो सीरीज जो रजिस्टर्स हैं वो अगर सीरीज में है तो आप सबको जोड़ दोगे, ठीक है। जितने भी रजिस्टर्स हैं आपका टोटल रजिस्टेंस निकल आएगा, अगर पैरेलल में है तो 1/1 करके निकल जाएगा। और एक चीज़ होती है आपकी ग्राफ वाले में बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ग्राफ में क्या है, एक VI ग्राफ होता है, एक IV ग्राफ होता है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। जब भी VI ग्राफ दिया है तो जिस भी जैसे ABCD 3 कंडक्टर दिए हैं और VI ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे, तो जिसका भी स्लोप सबसे ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, VI ग्राफ अगर हो,
अगर ये ग्राफ वी आई हो, वी पहले है आई बाद में है, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। लेकिन अगर गलती से आई वी ग्राफ, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्या देता है, आई वी ग्राफ अक्सर करके पूछ लेता है, तो जिसका स्लोप जितना कम उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ, ये बहुत ही पॉइंट टू बी नोटेड वाला पॉइंट है, इसको आप लोग नोट जरूर कर लेना। सो ये था हमारा माइंड मैप सीरीज का पहला वीडियो इलेक्ट्रिक करंट का। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही कौन सा वीडियो आपको चाहिए, किस माइंड मैप, किस चैप्टर का माइंड मैप चाहिए, उसके लिए आप कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा ग्रुप की, आप उसको ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।